आज हम देखना चाहेंगे कि मेरे लिए क्रूस का अर्थ क्या है। जब हम क्रूस के बारे में बात करते हैं या जब हम क्रूस के बारे में सोचते हैं तो हमारा एकदम से ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर जाता है और हम सोचते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हम सब के लिए वो महान बलिदान दिया, किस तरह से उसने उस पीड़ा को, उस दुख को हमारे पापों के लिए क्रूस पे सहा। तो जब हम क्रूस के बारे में बात करते हैं या क्रूस के बारे में सोचते हैं तो हम प्रभु यीशु के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि क्रूस को कई बार लोग सजावट की वस्तु लेकर भी इसे देखते हैं। कई बार लोग क्रूस को अपने घरों में उसको सजाते हैं या कई बार लोग क्रूस को उसको हार के रूप में अपने गले में पहनते हैं, लेकिन वास्तव में क्रूस का अर्थ क्या है। गलतियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और इसकी 14 आयत में देखते हैं, यहां पे प्रेरित पौलुस कहता है, मेरा जो घमंड जो है वो केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर है, मैं और किसी बात पर घमंड नहीं करता। अब देखिए, संसार में कई बार लोग अपने पैसे पर घमंड करते हैं, कई बार लोग अपनी जायदाद पर घमंड करते हैं, कई बार लोग घमंड करते हैं अपने बेटों पर और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे मनुष्य घमंड करता है। लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरे लिए जो घमंड करने की जो चीज है, जिस बात पर मैं घमंड करता हूं, जिस बात पर मैं गर्व करता हूं, वो बात है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। मैं केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करता हूं। देखिए क्या लिखा है 14 आयत में, यहां पे लिखा है, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। यानी पौलुस कह रहा है कि मैं संसार के लिए मर चुका हूं, मैं संसार के लिए खत्म हो चुका हूं, संसार मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैंने अपने आप को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया, अपने पुराने मनुष्य को मैंने क्रूस पर मार दिया। तो देखें पौलुस के बारे में, पौलुस जो था उसके अंदर ये काफी जोश था और परमेश्वर के प्रति, यीशु के प्रति उसका एक काफी गहरा प्रेम था। उसके लिए संसारिक बातें या संसारिक चीजें या संसारिक वस्तुएं जो थी वो महत्व नहीं रखती थी, केवल एक ही चीज उसे सामने दिखाई देती थी और वो था केवल प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। उसके लिए उसके जीवन में महत्व रखता था और यही हमारा भी होना चाहिए, हमारे जीवन में भी इसी तरह से होना चाहिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को महत्व देने की आवश्यकता है, हमें केवल उसी बात पर घमंड करने की आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह में, कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना एक महान बलिदान क्रूस पे दिया। लेकिन देखिए वास्तव में जब हम क्रूस के बारे में बात करते हैं या व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए क्रूस का क्या अर्थ है, एक और बहुत सी आयत है 1 कुरिन्थियों 1:18 जहां पर इस प्रकार से लिखा है कि क्रूस की कथा या क्रूस की कहानी नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बात है, जो नाश हो रहे हैं, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, उनके लिए क्रूस की कहानी, क्रूस की जो बात जो है वो मूर्खता है, लेकिन हम जिन्होंने उद्धार पाया है हमारे लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। तो मेरे लिए वास्तव में क्रूस का क्या अर्थ है। सबसे पहले जो हम यहां पर देखना चाहेंगे, सबसे पहली बात क्रूस के विषय में कि मेरे लिए वास्तव में क्रूस का क्या अर्थ है, वो ये है कि मैंने अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ा दिया। यानी
शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं से, अपने पुराने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत मैंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। और इसी बात को हम गलतियों की पुस्तक उसका 5:24 में हम देख सकते हैं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है, यानी मैंने अपने पुराने शरीर को मार दिया है, मैंने अपने पुराने मनुष्यत्व को मार दिया है। अब मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर वास करता है। पौलुस ने एक बार इस तरह से बोला था, और इस बात को हम गलतियों की पुस्तक उसके 2 में और उसकी 20 में हम पढ़ सकते हैं। पौलुस बड़े गर्व से कहता है, पौलुस जो है बड़े घमंड से कहता है, और वे कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया हूं, चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, जो पुराना जो पौलुस है वो खत्म हो चुका है, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखिए कितनी अच्छी बात पौलुस ने यहां पे कही, यहां पे बोली कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा गया हूं और अब मैं जीवित नहीं हूं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। क्या हम इस तरह से आज अपने बारे में बोल सकते हैं कि नहीं, अब मैं जीवित नहीं हूं लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है, मैंने अपने आप को, मैंने अपने पुराने शरीर को, पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पे चढ़ा दिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मैंने अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पे चढ़ा दिया है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मैं पाप के लिए मर चुका हूं। रोमियो 6:2 में इस प्रकार से लिखा है, कदापि नहीं, पौलुस कहता है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? और दूसरी आयत में लिखा है, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को कैसे जीवन बिताएं? हम पाप में कैसे जीवन बिता सकते हैं क्योंकि हम तो पाप के लिए मर चुके हैं, हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पे चढ़ा दिया है, उसे खत्म कर दिया है, हम पाप के लिए मर चुके हैं, हमने उस शरीर को क्रूस पे चढ़ा दिया, उसे खत्म कर दिया, अब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। और फिर जो दूसरी बात जो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पे चढ़ा दिया, इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में अब पाप शासन नहीं कर रहा है, हमारे जीवन में अब पाप नहीं चल रहा है, अब पाप हमारे जीवन को नहीं चला रहा है, अब पाप जो है उसका हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, हमारे ऊपर जो नियंत्रण जो है वो केवल प्रभु यीशु मसीह का है, प्रभु यीशु मसीह हमें चला रहा है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पे हम चल रहे हैं, पाप कहीं से भी हमारे जीवन में वास नहीं कर रहा है क्योंकि हमने उस पुराने मनुष्यत्व को, उस पुराने शरीर को, उस पुराने मनुष्य को हमने उतार के फेंक दिया है। देखिए जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं, पुराने कपड़े हम उसको उतार के फेंक देते हैं, इसी तरह से हमने पुराने शरीर को उतार के फेंक दिया है, वो शरीर जो पाप से भरा हुआ था, वो शरीर जिसमें सांसारिक अभिलाषाएं थी, वो शरीर जिसमें बुरी बातें थी, बुरी चीजें थी, बुरा स्वभाव, वो सब हमने उतार के फेंक दिया है, अब हम प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब हमारे लिए जो सबसे अहम बात है वो आत्मिक बातें हैं, हम आत्मिक बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं ना कि शारीरिक बातों पर। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार मत्ती 6:24 में इस प्रकार से बोला था कि मनुष्य 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, उसे चुनाव करना पड़ेगा, या तो वो परमेश्वर की सेवा कर ले या संसार की सेवा कर ले। तो हमें देखना है हम कहां पे खड़े हैं, हम क्या परमेश्वर के साथ खड़े हैं या संसार के साथ खड़े हैं। तो जब हम बोलते हैं कि हमने अपने पुराने मनुष्य को, अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पे चढ़ा दिया है, तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में जो प्राथमिकता जो है वो आत्मिक बातों के लिए है, शारीरिक बातों के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात मत्ती 6:33 में बोली थी कि सबसे पहले हमें उसके राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करने की आवश्यकता, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो जो भी हम परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर वो हमें देगा, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
लेकिन हमें उसकी धार्मिकता की बातें जो हैं, उसका जो राज्य जो है, उसके बारे में हमें सोचना है, उसके बारे में हमें ध्यान देना है। दूसरी बात जो हम देखना चाहेंगे कि मेरे लिए वास्तव में क्रूस का अर्थ क्या है। जब मैं क्रूस के बारे में बात करता हूं, मेरे लिए क्रूस की क्या अहमियत है, मेरे जीवन में उसका क्या महत्व है। मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरी बात यह है कि इसमें मसीह की धार्मिकता छिपी हुई है। अब कई बार हम सोचते हैं कि हमने अपने कामों से उद्धार को कमाया है। यीशु ने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, हमने जो अच्छे काम किए, जो धर्म के जो काम किए, उससे हम अपना उद्धार कमा सकते हैं। लेकिन कोई भी मनुष्य जो है अपने उद्धार को कमा नहीं सकता। हमें जो उद्धार जो मिला है वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। परमेश्वर की जो धार्मिकता जो है, मसीह की धार्मिकता जो है, वो सबसे अहम बात है। हमारी खुद की जो धार्मिकता जो है वो मूल्यहीन है, वो शून्य है, वो अयोग्य है, वो एम्प्टी है, वो खालीपन है। एक बहुत सी आयत है और यशाया की पुस्तक इसका 64 अध्याय और 6 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि हमारे धार्मिकता के काम सब के सब मैले चितड़ों के समान है। देखिए यशाया क्या कह रहा है, हम चाहे कितने भी अच्छे काम कर लें, कितने भी अच्छे अच्छी धर्म की बातें कर लें, लेकिन वो सारे काम जो हैं, वो सारी बातें जो है वो मैले चितड़ों के समान है। हमारा जो उद्धार जो है वो केवल मसीह की धार्मिकता से है, उससे हमें उद्धार मिलता है। अब देखे यीशु के बारे में, उसने अपनी मृत्यु के द्वारा जो दोष जो हमारे ऊपर था वो दोष उसने अपने ऊपर ले लिया और अपनी धार्मिकता से उसने हमें शुद्ध कर दिया, अपनी धार्मिकता से उसने हमें साफ कर दिया। रोमियो 5 और इसकी 19 आयत यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया, प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम धर्मी ठहरे। हम स्वयं अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। यानी मेरे लिए वास्तव में जो क्रूस का जो अर्थ है वो ये है कि उस क्रूस के द्वारा, यीशु के द्वारा मैं परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया गया। उसके धर्मी होने के कारण मैं धर्मी ठहराया गया। और इसको हम रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 25 आयत और फिर रोमियो 5:1 में इसका हम वर्णन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि किस तरह से वहां पे लिखा है कि उसके धर्मी होने के कारण, यानी यीशु मसीह के धर्मी होने के कारण हम धर्मी ठहराए गए। तीसरी बात जो मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लिए वास्तव में क्रूस का अर्थ क्या है। जब मैं क्रूस के बारे में बात करता हूं तो मेरे लिए वास्तव में क्रूस का अर्थ यह है कि पुरानी बातें जो है वो सब बीत गई है, सारी बातें नई हो चुकी है। अब एक बहुत सी आयत है 2 कुरिन्थियों 5:17 और यहां पे इस प्रकार से लिखा है कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, वो नया इंसान है, वो नया मनुष्य है। पुरानी बातें सब बीत चुकी हैं, सारी बातें नई हो गई है। तो किस तरह से हम एक नए इंसान बनते हैं, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह में हम एक नए मनुष्य बनते हैं, वो तब होता है जब हम पाप के लिए मर जाते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मे का मतलब है पानी के अंदर गाड़े जाना। जब हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं और उसमें से बाहर निकल के आते हैं तो हम एक नए इंसान बन जाते हैं। एक मनुष्य जिसे क्रूस पे चढ़ाया जाता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वो कुछ पकड़ के नहीं बैठता, वो क्रूस पर बस अकेला उस क्रूस पर होता है बिना उसके हाथ में कुछ हुए हुए, क्योंकि मनुष्य अपने साथ कुछ भी ले जा नहीं सकता, वो सब कुछ इस संसार में रह जाता है। मनुष्य को सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। हम कह रहे हैं कि हमारा पुराना मनुष्य जो है, पुराना शरीर जो है, पुराना इंसान जो है, यदि हमने उसको वास्तव में क्रूस पर चढ़ा दिया है तो हमने वो सारी बातें पीछे छोड़ दी है। हमारा पुराना स्वभाव जो सही नहीं था, हमारी बातचीत, हमारी बोली जो सही नहीं थी, हमारे काम जो सही नहीं थे, वो सारी बातें हम पीछे छोड़ के आ गए। उन सारी बातों को हमने दफन कर दिया है पानी की कब्र में। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हमने अपने आप को पूरी तरह से पाप के लिए मार दिया है। जब हम
बपतिस्मा लेते हैं। रोमियो की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसकी 3 आयत में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, यानी किस तरह से हम मसीह के साथ मरते हैं जब हम उसके, रोमियो 6:4 और यहाँ पे लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे पिता की महिमा के द्वारा मरे में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यानी जब हम उस पानी की कब्र में से बाहर आते हैं, जब हम बपतिस्मे का जो पानी जो है उसमें से बाहर निकल के आते हैं तो हम एक नए इंसान होते हैं, नई चाल चलने के लिए। किस में चलने के लिए? प्रभु यीशु मसीह में। तो जब हम बात करते हैं क्रूस के बारे में कि वास्तव में क्रूस का क्या अर्थ है, तो क्रूस का मतलब है कि हम एक नए इंसान हैं और हम एक नई चाल चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में, एक ऐसी चाल जो पवित्र है, एक ऐसी चाल जिसमें आज्ञा पालन है, एक ऐसी चाल जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। वास्तव में मेरे लिए क्रूस का अर्थ है कि सारी बातें मैंने पीछे छोड़ दी हैं और प्रभु यीशु मसीह में मैं अब एक नया इंसान हूं। चौथी बात जो हम देख सकते हैं क्रूस के विषय में कि क्यों क्रूस जो है वास्तव में इसका अर्थ क्या है। जब हम बात करते हैं, जब हम क्रूस की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एक बुलाहट है। बुलाहट यह है कि क्रूस जो है वो पापियों को बुलाता है, जो लोग गुनाह में हैं, जो लोग पाप में मर रहे हैं, क्रूस उनको बुलाता है कि मेरे पास आओ, अपने पापों से मन फिराओ और तब जाके तुम उद्धार प्राप्त कर सकते हो। तो हम देखते हैं एक बहुत सी आयत है, 1 तिमोथियस 1:15 और यहां पे इस प्रकार से लिखा है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। यीशु मसीह क्यों आया? पापियों को बचाने के लिए। वो धर्मियों को बचाने के लिए नहीं आया था, वो पापियों को बचाने के लिए आया था क्योंकि उसको पता था कि ये अपने पाप में मर रहे हैं। एक और बहुत सी आयत है जो हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में और ये आयत है यूहन्ना 3:16 और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र संसार में दे दिया, भेज दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जगत में आया, इस संसार में आया ताकि वो लोगों को उनके पापों से बचा सके। वे पापियों को मन फिराने के लिए इस जगत में आया था। मत्ती की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 13 आयत में हम देखते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि वो पापियों को मन फिराने के लिए इस जगत में आया था। और फिर रोमियो 5:8 वहां पे हम इस प्रकार से देखते हैं कि जब हम पापी थे, हम पाप में नाश हो रहे थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा, तभी उसने हमारे लिए क्रूस पर वो महान बलिदान दिया, अपनी जान उसने क्रूस पर कुर्बान कर दी। तो हम यीशु के प्रेम के बारे में देखते हैं कि किस तरह से यीशु ने एक महान बलिदान देकर एक उद्धार का जो मार्ग है, उद्धार की जो योजना है उसको स्थापित की कि क्रूस के द्वारा पापियों के पास उनको यह अवसर मिला कि वो अपने गुनाहों को छोड़ के, अपने पापों को छोड़ के वो परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह उसी तरह से प्रेम करता है जिस तरह से संसार में जब वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था उस समय जिस तरह से वो पापियों से प्रेम करता था उसी तरह से आज भी वो पापियों से प्रेम करता है। तो हम देखें क्रूस के बारे में कि ये जो बातें जो हमने देखी यही वास्तव में क्रूस का अर्थ है। क्रूस कोई सजावट की कोई चीज नहीं है या कोई ऐसी कोई सुंदर चीज नहीं है जिसे हम अपने गले में पहनते हैं। जब हम क्रूस के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक दुख छिपा हुआ है, एक पीड़ा छिपी हुई है और इसके साथ साथ हम एक उद्धार इसमें हम देखते हैं कि क्रूस के द्वारा मनुष्य को उसके पापों से उद्धार मिलता है। तो हम आखिर में एक और बात देखना चाहेंगे कि वास्तव में क्रूस का क्या अर्थ है और मेरे लिए वास्तव में क्रूस का अर्थ क्या है। रोमियो 5:10 देखिए क्या लिखा है। रोमियो 5:10 में लिखा है क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यानी क्रूस के द्वारा मनुष्य को उद्धार मिला, उसको पापों से उद्धार मिला
हमारे दोष को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमें व्यवस्था के दंड से बचाया। हमें जो दाम जो देना पड़ा वो दाम यीशु ने दे दिया। यीशु ने जो दाम जो दिया हमें हमारे छुटकारे के लिए, वो था उसका बेशकीमती लहू। हम देखे प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 28 आयत में वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने बेशकीमती लहू से खरीद लिया, मोल लिया। वो एक बड़ा दाम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए दिया। और जब हम क्रूस के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्रूस की वजह से हम बचाए गए, और हमें इसलिए बचाया गया कि हम दूसरों को भी बचाए। देखिए, परमेश्वर ने हमें बचाया, यीशु ने हमें बचाया, लेकिन फिर हमारा यह कर्तव्य है कि हम दूसरों को सुसमाचार के बारे में बताएं, दूसरों को बताएं कि यीशु कौन है, यीशु के संदेश के बारे में बताएं, शुभ संदेश के बारे में बताएं, खुशी की खबर लोगों को दे कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा, जिस तरह से हम पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 1-4 आयतों में इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो लोगों को इसके बारे में हम बताएं। और फिर जब हम क्रूस के बारे में बात करते हैं कि वास्तव में मेरे लिए क्रूस का अर्थ क्या है, वास्तव में क्रूस का अर्थ यह है कि क्रूस की वजह से मैं यीशु के साथ अनंत काल में रह सकता। मेरे पास ये आशा है कि यदि मैं परमेश्वर के प्रति ईमानदार बना रहूंगा, परमेश्वर के प्रति विश्वासी बना रहूंगा, तो वो मुझे जीवन का मुकुट देगा, प्रकाशित वाक्य 2:10, और वो एक ऐसा जीवन होगा जो कभी खत्म नहीं होगा, अनंत काल, हमेशा हमेशा के लिए मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ होऊंगा। यूहन्ना 14:1-2 वहां पे हम पढ़ते हैं, वहां पे इस तरह से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, रहने के स्थान है, और मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के लिए, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और मैं दोबारा वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। यानी वहां पे एक साफ साफ एक चित्र है, वहां पे एक साफ साफ वहां पे बोला गया है, बताया गया है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम सबको अपने साथ ले जाएगा, उन लोगों को जो उसके प्रति विश्वासी बने रहेंगे, उसके प्रति ईमानदार बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, मृत्यु तक उसके विश्वासी बने रहेंगे, और स्वर्ग में उन्हें ले जाएगा, और फिर हमेशा हमेशा के लिए हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो वास्तव में क्रूस का अर्थ जो है वो ये है कि क्रूस की वजह से मनुष्य को उद्धार मिलता है। और जब हम उद्धार के बारे में बात करते हैं तो उद्धार ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम पा नहीं सकते, जिसे पाना बहुत मुश्किल है या असंभव है। परमेश्वर ने हमें अपने वचन में बताया है कि किस तरह से मनुष्य अपने पापों से उद्धार प्राप्त कर सकता है। मरकुस 16:16 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। और विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन से सुनने से, क्योंकि सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और फिर वचन हमें बताता है कि हमें अपने पापों से मन फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम मन नहीं फिराएंगे हम अपने पापों में मर जाएंगे, जैसा कि लूका 13:3 में हम पढ़ते हैं। और फिर हमें उसके नाम का यानी यीशु के नाम का सबके सामने अंगीकार करने की आवश्यकता है, जिस तरह से रोमियो 10:10 में हम पढ़ते हैं कि उद्धार के लिए अपने मुंह से यीशु के नाम का अंगीकार करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और फिर अपनी पापों की क्षमा प्राप्ति के लिए हमें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, जिस तरह से हम प्रेरितों 2:38 और मरकुस 16:16 में पढ़ते हैं। तो वास्तव में क्रूस जो है उसमें मैं उद्धार को देखता हूं, क्रूस में मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन देखता हूं, क्रूस में मैं देखता हूं कि मैंने अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ा दिया, क्रूस पर खत्म कर दिया। क्रूस का अर्थ मेरे लिए यह है कि मैं पाप के लिए मर चुका हूं, मैं पाप के लिए खत्म हो चुका हूं, और मेरा जो घमंड जो है वो केवल अब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर है, क्योंकि उसी के द्वारा मुझे एक नया जीवन मिलता है, उसी के द्वारा मुझे वो अनंत जीवन मिलता है जिसके बारे में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित दे। आपके सामने मैं ये दो मासिक पत्रिका दिखा रहा हूँ, ये सुंदर दो पत्रिका है मेरे पास,
बाइबल टीचर हिंदी और अंग्रेजी में। ये पत्रिका मुफ्त है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, और मैं चाहूँगा कि आप इसे प्राप्त करें। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। इसमें बाइबल में से लेके बहुत अच्छे अच्छे पाठ है, बहुत अच्छे अच्छे लेख हैं, जिसे पढ़कर आपको काफ़ी आत्मिक रूप से आशीष मिलेगी। तो यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप इसे पाना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमें संपर्क करें, आप हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारा सेल नंबर है 9911916321, दूसरा नंबर है 9911719517। मित्रों, हमारे यहाँ पर बाइबल अध्ययन के लिए बाइबल कोर्स उपलब्ध है। ये बहुत अच्छा कोर्स है, जिसका नाम है खोजने वाले। इसमें आपको नए नियम की मसीहत के बारे में बहुत सी बातें जानने के लिए मिलेंगी। यदि आप इस पुस्तक को, इस बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें लिखें, हम आपको ये कोर्स भेजेंगे। और जब आप इसको भर कर भेजेंगे, हम इसको जांच कर आपके साथ, आपके सर्टिफिकेट के साथ भेज देंगे। मेरी आशा है कि आप हमें अवश्य लिखेंगे। और ये कोर्स जो है अंग्रेज़ी में भी है, यदि कोई अंग्रेज़ी में करना चाहता है तो हम अंग्रेज़ी में भी भेज सकते हैं। आज ही लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त करिए और बाइबल का अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं और बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, वॉइस ऑफ ट्रुथ, पोस्ट बॉक्स 4398 यानी 4398, नई दिल्ली 110019, 110019। मेरी आशा है कि आपने एड्रेस नोट कर लिया होगा। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके खतों का। आप हमें लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मोहब्बत राजे निशाने के लिए साली पाचा रहा ये लो।